नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुषमद्रम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास या भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति, भारत के साथ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम लोग। कृषि, उद्योग, खनिज, आर्थिक समीक्षा से निकले हुए फैक्ट, योजनाएं, वन सूचकांक वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो एमपीपीएससी की सिविल सेवा एग्जाम हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या एमपीपीएससी का एग्जाम हो, व्यापम के एग्जाम हो, सब में ये बराबर उपयोगी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में कृषि, उद्योग, खनिज, आर्थिक समीक्षा से निकले हुए फैक्ट, एसडीजी आदि की चर्चा हम लोग बड़े ही संक्षिप्त तरीके से करेंगे, और जो भी फैक्ट निकल कर आएंगे उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। डेटा लेटेस्ट है, लेटेस्ट इन द सेंस आर्थिक समीक्षा 2022-23 और बजट 2023-24 जो कि जनवरी में आया था उस पर आधारित है, ठीक है। अभी वाले बजट से इसमें डेटा नहीं है, अभी जुलाई वाले आर्थिक समीक्षा से इसके प्रश्न नहीं है, और अभी वाले के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये अभी जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए उससे प्रश्न भी नहीं आने हैं, तो उसमें ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जितना भी है वो बहुत सारगर्भित है, उसको एक बार अच्छे से देखते हैं। भारत के संदर्भ में उसका जो स्थिति है वो सब हम लोग एक साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरे वीडियो से मध्य प्रदेश के अलग अलग परीक्षाओं में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएगा, ठीक है। बहुत संक्षिप्त में बात करते हैं, परिचय ज्यादा नहीं। यहाँ पे यह एमपीपीएससी सिविल सेवा वाले में यूनिट 6 में आता है, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये यूनिट 3 पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति, तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य है वो 2025 तक $7 ट्रिलियन बनाने का है। पहले 2025-24 तक $5 ट्रिलियन था, अब ये $7 ट्रिलियन तक भारत की अर्थव्यवस्था ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सप्तऋषि नामक 7 प्राथमिकताएं हैं। ये भारतीय बजट की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश का योगदान जो होगा वो $550 बिलियन का होगा, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था की जो $7 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक का, तो उसमें मध्य प्रदेश $550 बिलियन का योगदान देगा, ठीक है। तो आपसे यहां से प्रश्न बन सकता है कि उसमें मध्य प्रदेश का योगदान कितना होगा, तो मध्य प्रदेश का योगदान $550 बिलियन का होगा, ठीक है। फिर अमृतकाल का बजट आया 23-24 में, भारतीय बजट अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल नाम से आप लोग परिचित ही होंगे। मध्य प्रदेश का 2023-24 का बजट आया, इसको आत्मनिर्भर बजट, जनता का बजट, ई बजट, डिजिटल बजट या युवा बजट आदि नामों से जाना गया, ठीक है। युवाओं के लिए अच्छे प्रावधान थे ऐसा मानते हैं ये लोग, तो इसको युवा बजट। डिजिटल बजट आया मतलब इसकी हार्ड कॉपी नहीं आई, तो इसलिए डिजिटल बजट, जनता का बजट, आत्मनिर्भर बजट इन नामों से जाना जाता है। भारत का बजट 2023-24 का जो टोटल रहा है वो 45.3 लाख करोड़ का रहा है। मध्य प्रदेश का बजट जो जनवरी वाला था वो था आपका 2,47,715 करोड़ का बजट रहा टोटल। जीडीपी में विकास दर की बात करिए, बात आप समझ गए हैं कि भारत का टोटल बजट इतना रहा है, मध्य प्रदेश का टोटल बजट जो है वो 2,47,00,000 करोड़ दो लाख सैंतालीस हजार सात सौ पंद्रह करोड़ है, ठीक है। जीडीपी में विकास दर 2023-24 की हम लोग बात करें तो भारत की विकास दर 6 से 6.8% रहने की अनुमानित है, और 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में मध्य प्रदेश स्थिर कीमतों पर मध्य प्रदेश की जो विकास दर है वो 7.06 है, 7.06 है, और प्रचलित कीमतों पर जो मध्य प्रदेश की विकास दर है वो 16.5% है। अर्थात पिछले बजट की मुकाबले या पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्रचलित भाव पर मध्य प्रदेश का जो वृद्धि दर है वो 16.5% है, और स्थिर कीमतों पर 7.06 है। स्थिर कीमत 2011-12 की कीमतों पर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, तो इसको देख लीजिए एक बार, बहुत आसानी से बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हमने इसको कर दिया है। तो इसमें आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक दो बार भी वीडियो देख लेंगे तो प्रश्न जब आएगा तो आपको निश्चित रूप से याद आ जाएगा, ठीक है। आते हैं जीडीपी का कुल आकार की बात करें, तो जीडीपी के कुल आकार की यदि हम लोग बात करते हैं तो भारत के $3.75 ट्रिलियन है अभी की स्थिति में। मध्य प्रदेश की 2023 की स्थिति में, अभी का मतलब यहाँ पे 2023 ही था, 2023 की स्थिति में मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था या जीडीपी का कुल आकार है वो 13,000 क्या पढ़ेंगे उसको 1,32,282 करोड़ प्रचलित रेट पर है, और 6,43,124 करोड़ स्थिर कीमतों पर है। ये जीडीपी का टोटल आकार। मध्य प्रदेश का 2024 की बात करें तो 1,38,717 करोड़ है प्रचलित रेट पर, और 2023 से 24 में जो वृद्धि हो गई है जीडीपी में प्रचलित कीमतों पर मध्य प्रदेश में, वो 5% की है। यहाँ से आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि 2023-24 के मुकाबले मध्य प्रदेश की जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि हो, 23 के मुकाबले 24 में मध्य प्रदेश की जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई, तो मध्य प्रदेश की जो जीडीपी में वृद्धि हुई है प्रचलित कीमतों पर वो 5% की हुई है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी 2023, थोड़ा देखते हैं कुछ चीजें, फोर्ब्स इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति, ये फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट है। फोर्ब्स इंडिया हर साल भारत के राज्यों के बारे में या वैश्विक स्तर पर
कुछ रैंकिंग बनाता है, उसमें ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की क्या रैंकिंग है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीन सर्वाधिक जीडीपी वाले राज्य जो है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात है। जो मैं भारत के संदर्भ में ले रहा हूँ वो भी आपकी परीक्षा के आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत का भी पूछा जा सकता है और मध्य प्रदेश का भी पूछा जा सकता है। तो तीन सबसे ज्यादा जीडीपी वाले फोर्ब्स के अनुसार में पहले महाराष्ट्र का नंबर है, दूसरा नंबर तमिलनाडु का है, तीसरा नंबर गुजरात का है और मध्य प्रदेश का फोर्ब्स इंडिया 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी में 10वां स्थान है। ठीक है, तो यह याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का स्थान जो है जीडीपी में वो पूरे राज्यों में कितने नंबर पर है, 10वें नंबर पर है। ठीक है, चलते हैं आगे। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक राज्यों में एफडीआई आकर्षित करने के मामले में मध्य प्रदेश का जो स्थान रहा है, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक एफडीआई आकर्षित करने के मामले में मध्य प्रदेश का जो स्थान रहा है वो 13वां स्थान है। ठीक है, 13 और 12 और राज्य हैं एफडीआई आकर्षित करने के मामले में मध्य प्रदेश से आगे, और मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो किस स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। ठीक है, एफडीआई के मामले में मध्य प्रदेश 13वें स्थान पर है, एफडीआई आकर्षित करने के मामले में मध्य प्रदेश 13वें स्थान पर है। ठीक है, तो अगला है प्रति व्यक्ति आय। भारत की यदि बात करें, भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात करें, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय 1 करोड़ 72 लाख रुपए है प्रचलित कीमतों पर। मध्य प्रदेश के की बात करें प्रति व्यक्ति आय पीसीआई की बात 2022-23 के अनुसार, तो प्रचलित कीमतों पर है 1,40,583 रुपए, 1,40,583 रुपए, और वृद्धि दर जो हुई है 2021-22 के मुकाबले वो 15.62% हुई है। ये प्रचलित कीमतों पर भारत की 1,07,20,000 है और मध्य प्रदेश की 1,40,583 है। ठीक है, और वृद्धि दर जो है मध्य प्रदेश की वो 15.62 है, 15.62 है। ठीक है, तो ये ठीक है। ऐसे ही स्थिर कीमत पर हम लोग बात करें तो भारत की स्थिर कीमत 2011-12 के अनुसार भारत की जो क्या है पीसीआई है वो 98,118 है, और मध्य प्रदेश की जो पीसीआई है 11-12 के अनुसार, तो यहाँ पर से वृद्धि गलत लिखा है, 11-12 के अनुसार वो 65,023 है। ठीक है, 65,023 है, 65,023 किस पर है, स्थिर कीमतों पर 2011-12 के साथ। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें जो वृद्धि हुई है वो 68.9% हुई है। ठीक है, ये पिछले वर्ष के मुकाबले नहीं है, 2011-12 के मुकाबले जो वृद्धि हुई है वो 68.9% हुई है। ठीक है, तो भारत की प्रचलित कीमत पर क्या है, भारत की प्रचलित कीमत पर है 17,20,000 रुपए, मध्य प्रदेश 17,20,000 ही लिखा है। ठीक है, 17,20,000 रुपए है, और मध्य प्रदेश की प्रचलित कीमत पर 1,40,583 रुपए है। वृद्धि दर पिछले वर्ष के मुकाबले 15.62% हुई है। स्थिर कीमतों की बात करें तो स्थिर कीमत में 2011-12 का आंकड़ा लिया जाता है, तो भारत की 98,118 है जिसमें वार्षिक वृद्धि 5.5% हुई है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 65,023 है, 65,023 है, 2011-12 से ये 68.9% की वृद्धि इसमें हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह था पीसीआई। अगला देखते हैं हम लोग क्या है, प्रति व्यक्ति आय में राज्यों की स्थिति देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय में राज्यों की स्थिति में सबसे पहले नंबर पर सिक्किम है, दूसरे नंबर पर गोवा है, तीसरे नंबर पर दिल्ली है, चौथे नंबर पर चंडीगढ़ है और अंतिम में बिहार है। मध्य प्रदेश का स्थान 25वां है, मतलब पीसीआई के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में मध्य प्रदेश का जो स्थान है भारत में वो 25वें रैंक पर है। ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता भारत विश्व में भारत का स्थान तीसरा है, विश्व में क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरा है और विनिमय दर के मामले में 5वां है। तो जो आप लोग दिन भर कहते रहते हैं विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था, तो वो भारत का इसमें पीपीपी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरा स्थान है, लेकिन विनिमय दर के मामले में अभी भी 5वें स्थान पर। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मध्य प्रदेश का योगदान है वो 4.6% या 4.8% है। ये बजट और आर्थिक समीक्षा दोनों में अलग अलग लिखा है। ठीक है, तो बजट में लिखा है 4.8%, आर्थिक समीक्षा में लिखा है 4.6%। तो आप ना बजट को ज्यादा मान सकते हैं, सही मान सकते हैं, वित्त मंत्री के मुख से बोली गई बातें ही लिखी जाती हैं, या ये कह लीजिए कि लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो ये 4.8, 4.6 दोनों है। तो जो भी समझ में आए देख लीजिएगा, पूछता है कि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान 4.6 या 4.8 दोनों रहता है, कोई एक लगा दीजिएगा, बाद में दोनों को सही करवा लेंगे। ठीक है, तो ये सही रहेगा, लेकिन यदि बजट के अनुसार पूछे, आर्थिक समीक्षा के अनुसार पूछे, तब आपको देखना पड़ेगा। बजट के अनुसार 4.8, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 4.6, ये सही रहेगा। ठीक है, भारत का सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य जो है, भारत का सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य है मध्य प्रदेश, मतलब इसमें हम सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की जो विकास दर है वो है प्रचलित मूल्य पर 15.62% और स्थिर मूल्य पर 68.
ये माइनस में लिखा है, 68.90% है। तो वर्तमान में भारत का सर्वाधिक विकास दर वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार। प्रचलित मूल्य पर इसकी विकास दर 15.6% बाकी राज्यों से सबसे ज्यादा है, और स्थिर मूल्य पर 68.90% ये बाकी राज्यों से सबसे ज्यादा है। ई कुबेर नाम की आरबीआई का एक कोर बैंकिंग समाधान ऐप है। निर्यात भारत के निर्यात में, भारत के निर्यात में मध्य प्रदेश का जो स्थान है, योगदान है, वो 2% है। अर्थात टोटल जितना एक्सपोर्ट होता है भारत से, उसमें राज्यों का सबका होता है, उसमें जो भारत का योगदान है वो 1.9% या 2% है। 1.9% बजट में शायद लिखा है, आर्थिक समीक्षा में 2% लिखा है, बात लगभग वही है, वही तो नहीं है, फिर भी मान लेते हैं 2% या 1.9% है। इस मामले में भारत 12वें स्थान पर, सॉरी मध्य प्रदेश 12वें स्थान पर है। अर्थात निर्यात में योगदान के मामले में मध्य प्रदेश का जो देश में स्थान है वो 12वें नंबर पर है, ठीक है। तो FDI आकर्षित करने के मामले में 13वें नंबर पर हो गया, और एक्सपोर्ट करने के मामले में योगदान मध्य प्रदेश का जो है वो 12वें नंबर पर है, ठीक है। भारत 422 अरब अमेरिकी डॉलर भारत निर्यात करता है, इसमें मध्य प्रदेश में चैंपियन उत्पाद बनाए गए हैं 42, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, मध्य प्रदेश में चैंपियन उत्पाद, वो उत्पाद जो निर्यात के दृष्टि से सबसे अच्छे माने जाते हैं, वो चैंपियन उत्पाद है, और चैंपियन उत्पादों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, 42 है, ठीक है। चैंपियन उत्पादों की संख्या मध्य प्रदेश में 42 है। ये एक एक लाइन के कुछ ऐसे ही फैक्ट है, इनको देखते चलते हैं हम लोग। अगला फैक्ट होगा बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। ये भारत के आंकड़े दिए हैं, पब्लिक सेक्टर 12, प्राइवेट सेक्टर, ये भारत के आंकड़े दिए हैं। भारत के आंकड़े ऐसे हैं कि मतलब बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की, तो पब्लिक सेक्टर के 12 हैं, प्राइवेट सेक्टर के 22 बैंक हैं, शहरी सहकारी बैंक कितने हैं, 1485, ग्रामीण सहकारी बैंक 1696 है। लेकिन यहाँ पे हमें अभी थोड़ा सा फोकस करना है मध्य प्रदेश पर, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित बैंक जो है वो 34 है, और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक जो है वो 2 है, राज्य सहकारी बैंक 1 है, जिला सहकारी बैंक 38 है, भुगतान बैंक 3 है। 2022 में समग्र ऋण में वृद्धि दर मध्य प्रदेश में हुई थी 15.6% की, ठीक है, समग्र ऋण में वृद्धि 15.6। प्राइमरी सेक्टर में का जो योगदान है मध्य प्रदेश में प्राइमरी सेक्टर का, वो है कितना, 59.41%, और कृषि का योगदान जो है वो 32.2% है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में। और भारत के संदर्भ में प्राइमरी सेक्टर में ऋण 40% है, कृषि में 18% है, ये जाने देते हैं। पीएम श्री कृषि, पीएम श्री की बात कर लें हम लोग, तो पीएम श्री मतलब प्रधानमंत्री के नाम से पीएम श्री कॉलेज जो खोले जाएंगे 2022 से 27 तक की योजना है। इसमें 14,500 से अधिक, भारत में, पूरे भारत में 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें से मध्य प्रदेश में 730 पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं, 730 पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना है। ऐसे ही स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन में 25 जून 2015 से चलाया गया, स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो 25 जून 2015 से चलाया गया। एक ये क्या है, देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना है। मध्य प्रदेश की 7 शहर इसमें शामिल हैं, मध्य प्रदेश के 7 शहर इसमें शामिल है, स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन में राज्यों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, उसमें 7 शहर शामिल हैं, जिसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, शहडोल और उमरिया, ये शामिल हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये 7 शहर वो हैं जो मध्य प्रदेश के 7 शहर जो हैं जिनको स्मार्ट बनाना है वो शामिल है, ठीक है। इंदौर को बेस्ट सिटी अवार्ड द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। इंदौर के में ही ये कॉन्क्लेव हुआ था वहीं, ठीक है। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 इंदौर में हुआ था, यहीं पे इंदौर सिटी को बेस्ट स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसके साथ एक दूसरा शहर है देश का सूरत, उसको भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। पर मध्य प्रदेश का क्या है, इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। अगला, इसमें थोड़ा सा वन स्थिति रिपोर्ट से कुछ प्रश्न हो सकते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट, मध्य प्रदेश में अधिसूचित वन क्षेत्र 94.69% है, 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर है। अधिसूचित वन क्षेत्र की जो संख्या है, मात्रा है, वो कितना है, 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर। तो 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर के साथ मध्य प्रदेश वन के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर है, ठीक है, पहले नंबर पर। वनावरण मध्य प्रदेश में 77.49 हजार वर्ग किलोमीटर है। भारत की कुल वन भूमि का, भारत की कुल वन भूमि का 25.14% भूमि पर मध्य प्रदेश में वन है, ठीक है। तो भारत, सॉरी, भारत की कुल, ये भारत का है, मध्य प्रदेश नहीं है, भारत की कुल वन भूमि का 25.14% पर वन है, ठीक है, कुल भूमि में 25.14% पर है, जिसको 33% होना चाहिए। ऐसे ही सुशासन के बारे में कुछ बातें हैं। सुशासन
सूचकांक 25 दिसंबर 2021 को जारी किया गया भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय विभाग द्वारा। मध्य प्रदेश का ग्रुप बी राज्यों में पहला नंबर है। इसमें सुशासन सूचकांक में इंडेक्स में मध्य प्रदेश का, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का ग्रुप बी के राज्यों में, ग्रुप बी राज्यों में पहला नंबर है। ठीक है, 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट 1996 की अधिसूचना से लागू हुआ। देखिए मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट 1996 की अधिसूचना की जो डेट आई है वो 15 नवंबर 2022 है। ठीक है, तो 15 नवंबर 2022 की डेट से ये अधिसूचना घोषित हुई है पेशा। ठीक है, परिवहन, परिवहन वैसे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में नहीं है पर करंट अफेयर्स में ये आता है तो देख लेते हैं क्या क्या है थोड़ा सा यहाँ पे, यदि कुछ खास होगा तो। एक चीज खास है मध्य प्रदेश का परिवहन में, ये वाला रोल कि प्रदेश में 5150 किलोमीटर की सड़कें हैं जिसमें से पूरे देश में सड़कों के मामले में 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, सड़कों की लंबाई के मामले में 6ठे नंबर पर है मध्य प्रदेश। और ये क्या है, रेल नेटवर्क में, सॉरी हाँ यहाँ पे दो चीजें हैं, शुरू से देख लेते हैं। भारत में 47 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है, नेशनल नहीं कुल सड़कें हैं जिसमें से 15515 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। मध्य प्रदेश में 72,961 किलोमीटर सड़कें हैं जिसमें से, ये सड़क टोटल सड़कों की बात हो रही है, जिसमें से 9104 किलोमीटर जो है वो क्या है आपका, नेशनल हाईवे है। सड़कों की लंबाई के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में 6ठे नंबर पर है और रेल नेटवर्क के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में 5वें नंबर पर है 5150 किलोमीटर रेलवे के साथ, रेलवेज के साथ। ठीक है, जल प्रबंधन सूचकांक 2023 जारी किया गया, तो जल प्रबंधन सूचकांक में गैर हिमालयन राज्यों में मध्य प्रदेश 3रे नंबर पर है। ठीक है, गैर हिमालयन राज्यों में मध्य प्रदेश का जल प्रबंधन सूचकांक में 3रे नंबर पर है। ठीक, केंद्रीय जल आयोग ने 143 जलाशयों की निगरानी की है, यह करता है केंद्रीय जल आयोग, जिसमें मध्य प्रदेश के 11 जलाशय शामिल है। इसको एक एक लाइन में याद रख लीजिए कि केंद्रीय जल आयोग देश के कुल 143 जलाशयों की निगरानी करता है, इन 143 में मध्य प्रदेश के 11 शामिल है। ठीक है, एनेमिया मुक्त भारत में प्रदेश पहले नंबर पर है। ठीक है, एनेमिया मुक्त भारत में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है। अगला है स्वामित्व योजना भू अभिलेख में, स्वामित्व योजना जो कि भू अभिलेख से संबंधित है में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। ठीक है, अब यहाँ पे अग्रणी ही लिखा था आर्थिक समीक्षा में तो मैंने अग्रणी ही लिखा है। अग्रणी का मतलब पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, पर अग्रणी है, जाने देते हैं। अगला है इसमें मिशन अमृत सरोवर, मिशन अमृत सरोवर 15 अगस्त 2023 को चलाया गया। मिशन अमृत सरोवर 15 अगस्त 2023 को चलाया गया। अमृत सरोवर के तहत लगभग इसमें 50 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे इस योजना के तहत, और लगभग 50,000 तालाब और बनाए जाएंगे सामान। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत में कुल 80 रामसर साइट हैं, भारत में कुल 80 रामसर साइट हैं और मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट हैं। ठीक है, भारत में कुल 80 रामसर साइट हैं और मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट हैं। रामसर साइट अर्थात आर्द्र भूमियों के मामले में भारत में मध्य प्रदेश का 6वें स्थान पर, 6वां योगदान है, मतलब 6ठे स्थान पर है। ठीक है, मतलब टोटल रामसर साइट्स के मामले में मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश संयुक्त है, मतलब हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों 6-6 स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। ठीक है, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2023 को चलाया गया। जल जीवन मिशन 2024 तक 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। 2024 तक 55 लीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगा ना भाइयों आपको, 55 लीटर में 55 लीटर प्रति व्यक्ति शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शुद्ध पेयजल, तो मान के चलिए कि एक व्यक्ति 55 लीटर दिन में पानी पिएगा या फिर शुद्ध पेयजल को पेयजल के तौर पर तो इस्तेमाल करेगा ही करेगा, बाकी इस्तेमाल भी करेगा। ठीक है, तो ये शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा 55 लीटर। ठीक है, ठंडियों में तो हो जाएगा, गर्मी का पता नहीं। मध्य प्रदेश जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में 5वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में 5वें स्थान पर। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या पढ़ा दे रहा हूँ, ये एक बहुत क्लेवर नोट है, बहुत अच्छी नोट्स है आपको। इसमें चीजें क्या हैं कि एक तो हमें पढ़ाना था मध्य प्रदेश जल जीवन मिशन में क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। ठीक, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जल जीवन मिशन कब से शुरू हुआ, उसकी क्या स्कीम है, ये भी संक्षिप्त में बताया चल रहा हूँ, तो एक ही जगह पर ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस मामले में सर्वाधिक सर्टिफाइड ग्रामों में मध्य प्रदेश के 2396 ग्राम के साथ प्रथम स्थान पर। किस मामले में, सर्टिफाइड ग्राम ऐसे गांव जहां पे ये जल जीवन मिशन क्रियान्वित हो चुका है वो उसको सर्टिफाइड ग्राम, तो सर्टिफाइड ग्राम के मामले में जल जीवन मिशन में पहले स्थान पर है, लेकिन समग्र जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। 2396 गांव सबसे ज्यादा सर्टिफाइड ग्राम मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि जल जीवन मिशन के तहत सबसे ज्यादा सर्टिफाइड ग्राम किस राज्य के हैं, तो मध्य प्रदेश के हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुई। इसमें 7.18 लाख कुल आवास 2022-23 तक दिए जाने थे। मध्य प्रदेश की बात करें, ये मध्य प्रदेश में इतना दिए गए 7.18 लाख। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है ग्रामीण में, अर्थात पीएम आवास योजना ग्रामीण में मध्य प्रदेश इसमें पहले नंबर पर है क्रियान्वयन में,
और शहरी में दूसरे नंबर पर है। याद रखेंगे यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, या क्रिएट होगा शहरी और ग्रामीण का। तो आपसे पूछे कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। लेकिन यहीं पे प्रश्न ये बन जाए कि पीएम आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला है प्रदेश जिसमें मध्य प्रदेश जिसमें पहले स्थान पर है, वो कुछ बातें यहाँ पे हमने लिख रखी है। 2023 में पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड वितरण देने के मामले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, ठीक है, तो पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड वितरण के मामले में पहले नंबर पर। दूसरा, दिव्यांगों को यूआईडी कार्ड बनाने के मामले में पहले नंबर पर। आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। पूरे भारत में आयुष्मान कार्ड बनाने में, दिव्यांगों का यूआईडी कार्ड बनाने में और पशुपालकों का क्रेडिट कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश इन मामलों में हमेशा पहले नंबर पर ही रहता है वैसे भी, ठीक है, दिव्यांगों की सहायता करना हो, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, है ना, तो ऐसे मामलों में ये पहले नंबर। पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड वितरण करना हो तो प्रदेश में 57 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए। एआई आधारित मिशन लर्निंग पोर्टल, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, एआई आधारित मिशन लर्निंग पोर्टल पर ई गिरदावरी परियोजना, ये परियोजना जो ई गिरदावरी परियोजना है, ये कृषकों की अनाज खरीदने की परियोजना है, ठीक है, मतलब जो सरकार एमएसपी के साथ अनाज खरीदती है वो ई गिरदावरी परियोजना है, के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, ठीक है। पीएम एआई आधारित, ये भी याद रखना, एआई आधारित मिशन लर्निंग पोर्टल पर पीएम मातृवंदना योजना में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जिन में पहले नंबर पर है वो यहाँ पे आपको पता चल गया। एक तो पशुपालक का क्रेडिट कार्ड बनाने में, यूआईडी कार्ड, दिव्यांगों का आयुष्मान कार्ड बनाने में, एआई मशीन लर्निंग में, ई गिरदावरी परियोजना में और मातृवंदना, पीएम मातृवंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर। अगला है स्टेट इनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान 19वें नंबर पर है। मतलब स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में मध्य प्रदेश ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में मध्य प्रदेश का स्थान 19वें नंबर पर है। नीति आयोग ये सूचकांक जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में मध्य प्रदेश अचीवर श्रेणी में आता है। ठीक है, तो याद रखना है। अगला है फसल, ये यहाँ पे कुछ फसल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश वर्तमान में 2024 के आंकड़ों के अनुसार, मतलब आर्थिक समीक्षा 2024 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, ठीक है, और पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, ठीक है, ये बात अच्छे से समझिए। 2024 में सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, लेकिन आर्थिक समीक्षा 2022-23 में सोयाबीन पहले नंबर पर है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश वर्तमान में सोयाबीन के उत्पादन में किस स्थान पर है, तो आप दूसरे नंबर पर लगाइएगा। आपसे यदि पूछता है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है, तो आप पहला नंबर लगाइएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश वर्तमान में 2024 की स्थिति में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र, लेकिन 2022-23 में पूछे, भले ही आर्थिक समीक्षा ना लिखा हो या लिखा हो, 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार मध्य प्रदेश का सोयाबीन के उत्पादन में क्या स्थान है, तो पहला स्थान है, क्लियर। फूलों के सकल उत्पादन में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। प्राकृतिक रेशे के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। अफीम के उत्पादन में नो डाउट पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, ठीक है। मछली उत्पादन में राज्य 16वें स्थान पर है, बहुत ज्यादा योगदान नहीं मछली का, ठीक है। पशुओं की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। सूती कपड़े के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। औद्योगिक निवेश के मामले में मध्य प्रदेश देश में चौथे नंबर पर है। औषधि पौधों के उत्पादन में ईस्टबगोल सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला औषधि पौधा है मध्य प्रदेश में, और अश्वगंधा दूसरा औषधि पौधा है, ठीक है। मसूर के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। टोटल मसूर के उत्पादन में मध्य प्रदेश, लेंटिल उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश कृषि सकल मूल्य वर्धन में ग्रॉस वैल्यू एड में सकल मूल्य वर्धन में प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान है मध्य प्रदेश में वो 36.32% है, ठीक है। 36.32% प्राइमरी सेक्टर का योगदान है किसमें, सकल मूल्य वर्धन में। देश में खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो खाद्यान्न के कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। पशुधन में 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार क्या पशुधन में मध्य प्रदेश में क्या है, पशुधन में 2011-12 के अनुसार 2.96% के मुकाबले में 5.93% का योगदान है मध्य प्रदेश में। वर्तमान में पशुधन के मामले में, मतलब टोटल पशुओं के मामले में 5.93% का योगदान है, जो कि 2011-12 के 2.96% के मुकाबले वृद्धि हुई है, ठीक है। अगला है विकास दर 2021-22 से 2022-23 में विकास दर देख लेते हैं तीनों सेक्टर तो यहाँ पे नहीं है। प्राथमिक सेक्टर में विकास दर जो रहा है कृषि वाले क्षेत्र में 5.24, फसल क्षेत्र में विकास रहा है 5.46%। फसल उत्पादन में टोटल जो ग्रोथ रहा है 21-22 के मुकाबले 22-23 में वो 4.16% रहा है। दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, ठीक है, और यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है वो 5.42% है,
औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो है वो 9.93% है, ठीक है ना। तो ये सॉरी ये योगदान नहीं है, सॉरी सॉरी ये वृद्धि है। द्वितीय क्षेत्र में 5.42% की वृद्धि हुई है और तृतीय क्षेत्र में 9.99% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो आपसे तीनों सेक्टर पे यहाँ पे वृद्धि पूछ लिया जाए, तो प्राइमरी सेक्टर की वृद्धि 5.24, सेकेंडरी सेक्टर की वृद्धि 5.42 और तृतीय क्षेत्र की वृद्धि 9.99 रही है, ठीक है। ऐसे ही फसल की बात करें मध्य प्रदेश में, तो वाणिज्यिक फसलों में सोयाबीन, जैसा कि हमने आपको बताया ही कि सोयाबीन आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, पहले नंबर पर है, ठीक है। भारत में टोटल सोयाबीन 139 लाख टन होता है, ठीक है। तिलहन के उत्पादन की बात करें तो भारत में 400 लाख टन तिलहन होती है। 2023 में मध्य प्रदेश में 16.38% की तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई है, ठीक है। तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई है 16.38%। अनाज उत्पादन में मध्य प्रदेश में जो वृद्धि हुई है वो 2.58% की वृद्धि हुई है, 2.58% की कुल अनाज उत्पादन में मध्य प्रदेश में, जो भारत में दूसरे स्थान पर है उसमें इतना 2.58% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट दलहन उत्पादन इंपॉर्टेंट है, दलहन इंपोर्टेंट दलहन उत्पादन में 278 लाख टन भारत में टोटल दलहन उत्पादित होता है। पहला राज्य दलहन उत्पादन में राजस्थान है 19%, ठीक है। पहला राज्य दलहन टोटल दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है 18%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल दाल में 17.04% की वृद्धि हुई है। तो दाल उत्पादन में भी मध्य प्रदेश में वृद्धि हुई है, ठीक है। अनाज उत्पादन में भी वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश में, तिलहन उत्पादन में भी मध्य प्रदेश में वृद्धि हुई है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, दलहन उत्पादन में 17.04% की वृद्धि हुई है, अनाज उत्पादन में 2.58% की वृद्धि हुई है, ठीक है। मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे देश में चौथे स्थान पर है, मसाला उत्पादन में पूरे देश में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है पशुपालन, भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है पशुओं को पालने के दृष्टिकोण से, ठीक है। और दुग्ध उत्पादन में भी पहले नंबर पर है। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन यूपी में होता है, दूसरे नंबर पर राजस्थान में होता है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में। दूध की उपलब्धता की बात करें तो 591 ग्राम या ML कह लीजिए, 591 ML पर डे पर व्यक्ति दूध उपलब्ध है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला है श्री अन्न की बात कर ली जाए थोड़ी सी। श्री अन्न यूएन अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 23 को श्री अन्न वर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया था। मध्य प्रदेश में राज्य मिलेट मिशन योजना 2020 में शुरू हुई थी, कोदो कुटकी के लिए कोदो कुटकी सहायता योजना भी शुरू हुई थी। देखिए यहाँ पर एक डाउट है जिसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना 2020 में ही लाई गई, मिलेट मिशन योजना इसका पूरा नाम है, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन है वो 2023 में हुआ, ठीक है। तो कोदो कुटकी के सहायता के लिए योजना शुरू तो की गई थी, लेकिन संपूर्ण मिलेट मिशन योजना का क्रियान्वयन जो है वो 2023 में लाया गया। एक क्लू दे रहा हूँ, शायद इस क्लू से आप लोग समझ पाए कि वो 2020 पूछना चाह रहा है या 23। यदि आपसे पूछे मध्य प्रदेश राज्य मिलेट योजना कब प्रारंभ हुई तो आप 2023 लगा सकते हैं, कब से संचालित शुरू हुई, हाँ 2023 लगा सकते हैं। लेकिन आपसे पूछे राज्य मिलेट मिशन कब प्रारंभ हुआ या कब स्थापना हुई इसकी, तो 2020 लगा सकते हैं, ये आर्थिक समीक्षा में 2020 दिया हुआ है इसी प्रकार से, तो ऑब्जेक्शन लगा के सही तो हम लोग करवा लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन 2023 भी इसका एक संदर्भ में उत्तर हो सकता है कि शुरू कब से हुई, मतलब एक्टिवेट कब से हुई, तो एक्टिवेशन की जो ईयर है वो 2023। श्री अन्न के प्रोत्साहन है तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2023 में चलाई गई, ठीक है। श्री अन्न के प्रोत्साहन हुए तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2023 में चलाई गई, ठीक है। ये श्री अन्न पूरा हुआ। खनिज आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2021-22 के आंकड़े के अनुसार, ये 2022-23 की आर्थिक समीक्षा में 2021-22 के आंकड़े लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछेगा तो ये देखकर पूछेगा कि 2021-22 के अनुसार या आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, ठीक है। राज्य जिनमें प्रथम स्थान पर है, राज्य जिनमें प्रथम स्थान पर है तो वो हीरा है, हीरा पहले नंबर पर है, तांबा पहले नंबर पर है, मैग्नीज पहले नंबर पर है, गेरू पहले नंबर पर है और डोलामाइट पहले नंबर पर है। खनिजों में हीरा, तांबा, मैग्नीज, गेरू, डोलामाइट, इनमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, ठीक है। राज्य जिसमें खनिज जिन खनिजों में दूसरे नंबर पर है वो है रॉक फॉस्फेट, संगमरमर, चूना पत्थर। तीसरे स्थान में जिसमें है वो सीसा है और कुछ मामलों में कोयला भी, ठीक है। लेकिन कोयला के सकल उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है, भी कोयला आगे आता है बताता हूँ आपको, ठीक है। तीसरा चौथा कुछ डेटा क्लियर नहीं है, किसी को क्लियर नहीं है, हमें भी क्लियर नहीं है, आपको भी क्लियर नहीं है, प्रशासन और प्रशासन को भी क्लियर नहीं है, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं, ये देखते हैं उधर लिखा हुआ है, सीसा हो गया। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार देखिए यहाँ पे क्या लिखा है,
आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कोयला के सकल उत्पादन में, सकल उत्पादन में चौथे स्थान पर है, ठीक है। लेकिन एमपीपीएससी ने खुद ही 23-24 में प्रश्न पूछ करके तीसरा भी माना है, चौथा भी माना है, तो इस पर हम लोग चौथा लगाएंगे, चाहे सकल पूछे या कुछ भी पूछे, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में ये लिखा हुआ है लेकिन तीसरा वाला नहीं लिखा मिला मुझे, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न बना है उसमें तीसरा माना है, बात सही है, लेकिन हमें आर्थिक समीक्षा में चौथा स्थान लिखा हुआ है। कोयला सकल उत्पादन में किस स्थान पर है, तो चौथे नंबर पर। भंडारण में कोयला जो है वो पांचवें नंबर पर है, ठीक है। लौह अयस्क में मध्य प्रदेश पांचवें स्थान पर है और बॉक्साइट में छठवें स्थान पर है। तो लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश पांचवें स्थान पर है, बॉक्साइट में छठे स्थान पर है और कोयला की सकल उत्पादन में चौथे स्थान पर है, भंडारण में पांचवें स्थान पर है, ये बातें याद रखिए। अगला है नवकरणीय ऊर्जा, तो ये हो गया बॉक्साइट छठे स्थान पर। हाँ, नवकरणीय ऊर्जा, तो जो नवीनीकृत ऊर्जा है उसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नवकरणीय ऊर्जा में मध्य प्रदेश आठवें स्थान पर है, आठवें स्थान पर है, ठीक है। भारत में नवकरणीय टोटल समग्र नवकरणीय ऊर्जा में आठवें स्थान पर है, पवन ऊर्जा में आठवें स्थान पर है, सौर ऊर्जा में आठवें स्थान पर है। देखिए यहां से मैं आपको बता रहा हूँ कि पवन में आठवें पर है, सौर में चौथे पर है, बायोमास में सेकंड पे है। तो ये सब डेटा मैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप किसी किताब में पढ़ेंगे कि इसमें चौथा है, इसमें पांचवा है, इसमें चौथा पांचवा, तो वो सब डाउट मत पालिए, किताब में कई बार मिसप्रिंट गलत या कुछ भी हो सकता है, जाने देते हैं। आर्थिक समीक्षा उठा के देखिएगा, रियल में यही लिखा हुआ है, और आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आंकड़े के अनुसार यदि पूछेगा तो हमें यही लगाना है, क्योंकि उसके बाद अभी जो 24 का आंकड़ा आया हुआ है वो फिलहाल अभी एग्जाम में नहीं आने वाले, उसके लिए मैं आपको नए से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो टोटल नवीकरणीय ऊर्जा में आठवें स्थान पर है, पवन में सॉरी हाँ आठवें स्थान पर है, पवन ऊर्जा में भी आठवें स्थान पर है, सौर ऊर्जा में चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश, और बायोमास एनर्जी में सेकंड स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, ठीक है। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा भारत में, भारत के टोटल पवन ऊर्जा उत्पादन पूछे तो 6,95,590 मेगावाट का है। मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा का टोटल, टोटल आठवें स्थान पर है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो जो टोटल है वो 15,404 मेगावाट का है। सौर ऊर्जा की बात करें तो भारत में सौर ऊर्जा 7,48,990 मेगावाट है और मध्य प्रदेश में 61,660 मेगावाट है। इस प्रकार से देखा जाए तो सौर ऊर्जा इन सब में से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो पवन ऊर्जा से भी ज्यादा है और बायोमास ऊर्जा से भी ज्यादा है। बायोमास ऊर्जा यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं। टोटल बायोमास में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और भारत जो है तो भारत में 17,538 मेगावाट की विद्युत उत्पादित होती है बायोमास से, मध्य प्रदेश में केवल 1,364 मेगावाट। तो एक प्रश्न ऐसा पूछेगा कि निम्नलिखित पूछा पूछेगा या पूछ सकता है कि किस में सबसे ज्यादा, मतलब मध्य प्रदेश में कौन सी नवकरणीय ऊर्जा पहले नंबर पर है, तो इनमें से पहले नंबर पर सौर ऊर्जा है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही उत्पादित हो रही है। बस ये था आर्थिक समीक्षा और इधर उधर से कुछ करेंट अफेयर्स बजट वगैरह से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मध्य प्रदेश में आर्थिक योगदान को बताते हैं, मध्य प्रदेश का देश के संदर्भ में आर्थिक योगदान को बताते हैं। एसडीजी को लेकर के कन्फ्यूजन क्रिएट जो हो रहे हैं उसको यहाँ पे मैं दूर करना चाहूंगा। एसडीजी जो है वो नीति आयोग एवं राज्य नीति आयोग मिलकर जारी करते हैं। इसमें मध्य प्रदेश का जो ये एसडीजी का 3.0 संस्करण है, अर्थात यहाँ पे हम लोग दो एसडीजी की बात करेंगे, एक एसडीजी 2023 की रैंकिंग और एक एसडीजी 2022-21 की रैंकिंग। देखिए एसडीजी में जो प्रश्न बन सकते हैं तो इसके नाम, क्रमांक, रैंकिंग, मध्य प्रदेश का स्कोर और टोटल एसडीजी में मध्य प्रदेश का स्थान, यही सब प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो देखिए कुछ चीजें बता रहा हूँ, एक और है परफार्मर वगैरह का, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या जानना है, पहले तो देखते हैं, सबसे पहले जो डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए कि किताबों में एसडीजी दो तरीके से दिया हुआ है। कुछ किताबों में एसडीजी 2023 की रैंकिंग दी हुई है और कुछ किताबों में अभी भी एसडीजी 2020-21 की रैंकिंग छाप रहे हैं, ठीक है। अब रही बात हमें क्या करना है, तो हमें दोनों पढ़ना है। और जब आपसे ईयर देके नहीं पूछे ना, जो 2023 लिखा रहे ना 2020 लिखा रहे, तो फिर आपको 2023 का मानना है, चूंकि नवीनतम 2023 है, ठीक है। तो एसडीजी, टोटल एसडीजी की बात करेंगे हम लोग, लेकिन पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। तो एसडीजी फर्स्ट जो है वो नो पॉवर्टी, मतलब शून्य गरीबी। शून्य गरीबी में 2023 में रैंकिंग रही मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की रैंकिंग 18 रही 44 स्कोर के साथ, और 2020-21 में इसी शून्य गरीबी की रैंकिंग 24वें नंबर पर रही। तो देखिए 24वें से घट करके 18वें पर आ गई, मतलब मध्य प्रदेश ने गरीबी की कम करने की दिशा में काम किया है। स्कोर 44 है, पहले का स्कोर हमने नहीं लिखा है, उतना ज्यादा हमें बढ़ाना नहीं था। तमिलनाडु जो है वो पहले नंबर पर है शून्य गरीबी के मामले में, टॉप राज्य जो है वो तमिलनाडु है, ठीक है। दूसरा है जीरो हंगर, भुखमरी, जीरो शून्य भुखमरी। शून्य भुखमरी में 2020-21 में मध्य प्रदेश का स्थान रहा 21वां, और केरल टॉप पे रहा 43 अंक के स्कोर के साथ। अब मध्य प्रदेश का जो नया जीरो हंगर में रैंकिंग हो गई है वो हो गई है 15, तो 21 से अब 15 पर आ गया, केरल पहले नंबर पर है, मध्य प्रदेश का स्कोर 43 है। फिर आते हैं गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गुड हेल्थ एंड अच्छा स्वास्थ्य,
में मध्य प्रदेश का जो स्थान रहा है पहले 2020-21 में वो 22वां रहा है, फिर गुजरात इसमें पहले नंबर पर है, ये टॉप राज्य अभी का लिखा हुआ है, ठीक है। गुजरात पहले नंबर पर 62 स्कोर के साथ, अब मध्य प्रदेश का जो स्कोर है वो है 15, तो 22 से अब किस पे आ गया है, 15 पर आ गया, ठीक है। क्वालिटी क्वालिटेटिव एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, ये SDG 4 है। SDG 4 में मध्य प्रदेश पहले 22वें स्थान पर था, केरल पहले नंबर पर है 45 स्कोर के साथ, अब मध्य प्रदेश 16वें नंबर पर है। जेंडर इक्वलिटी की बात करें, SDG 5 में जेंडर इक्वलिटी आता है। जेंडर इक्वलिटी के मामले में मध्य प्रदेश पहले 9वें नंबर पर था, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है, अब 55वें स्कोर के साथ मध्य प्रदेश किस नंबर पर है, 7वें नंबर पर है। फिर आता है SDG 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल और स्वच्छता, इसमें साफ जल और स्वच्छता में मध्य प्रदेश पहले 10वें नंबर पर था, गोवा पहले स्थान पर था 88 स्कोर के साथ, अब मध्य प्रदेश 2023 की स्थिति में 8वीं रैंक पर है। ऐसे ही अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इस मामले में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, इसमें 20वें स्थान पर पहले मध्य प्रदेश था, आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर अभी है 86 स्कोर के साथ, अब मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। तो स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने में मध्य प्रदेश 20वें से सीधे 5वें नंबर पर आ गया है, ठीक है, इतना काम हुआ है इस दिशा में। अगला है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ, तो जो वर्क कल्चर को लेकर के है वो पहले 14वें स्थान पर था, हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है 60 स्कोर के साथ, अब मध्य प्रदेश 10वें स्थान पर है, ठीक है। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, SDG 10 जो है वो किसको लेकर के है, सॉरी SDG 9 जो है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले 20वें स्थान पर था, गुजरात अभी भी पहले स्थान पर है और 37 स्कोर के साथ मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर है। एसडीजी 10 की बात करें तो रिडक्शन इन इक्वालिटीज, असमानता को दूर करने के मामले में 24वें स्थान पर पहले था 2020-21 में मध्य प्रदेश, मेघालय इसमें पहले नंबर पर है 51 स्कोर के साथ, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश इक्वालिटी दूर करने के मामले में, इन इक्वालिटी दूर करने के मामले में किस नंबर पर है, 17वें नंबर पर है। तो SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज हैं, तो इस मामले में मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर था, अब 5वें नंबर पर है 81 स्कोर के साथ, पंजाब पहले नंबर पर है, ठीक है। SDG 12 जो है वो किससे संबंधित है, रिस्पॉन्सिबल एंड कौन से क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्शन एंड प्रोडक्शन, है ना। तो इस मामले में मध्य प्रदेश जो है पहले 11 नंबर पर था, कहाँ लिखा है, 11 नंबर पर था, त्रिपुरा अभी पहले नंबर पर है 78 स्कोर के साथ, मध्य प्रदेश अब 8वें नंबर पर है। SDG 13 क्लाइमेट एक्शन में 19वें नंबर पर मध्य प्रदेश पहले था, अब 14वें नंबर पर है और स्कोर इसमें 49 है और पहला राज्य उड़ीसा है। SDG 14 में लाइफ बिलो वाटर, यह मध्य प्रदेश में लागू नहीं होता, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी SDG मध्य प्रदेश में लागू नहीं है, तो लाइफ बिलो वाटर, जल के नीचे भीतर, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, और पार्टनरशिप फॉर द गुड, ये भी मध्य प्रदेश में लागू नहीं होता। तो SDG क्रमांक 14 है ना और SDG क्रमांक 17 ये मध्य प्रदेश में लागू नहीं होते। SDG क्रमांक 15 लाइफ ऑन लैंड है, तो इसमें मध्य प्रदेश पहले भी दूसरे नंबर पर था, अभी भी दूसरे नंबर पर है और 84 स्कोर इसका है, अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर है। पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंसाइट्स में, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट में मध्य प्रदेश वर्तमान में 13वें नंबर पर है, पहले 24वें नंबर पर था, उत्तराखंड पहले नंबर पर है, मध्य प्रदेश का जो स्कोर है वो 66 है। पार्टनरशिप फॉर द लैंड हमने आपको बताया ये मध्य प्रदेश में लागू नहीं होता है। सकल SDG में मध्य प्रदेश का स्कोर जो है वो 11वां है, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर एक ये कन्फ्यूजन है कि मध्य प्रदेश का सकल स्कोर 17 की 11, तो जब इन सबको काउंट करके एवरेज निकाला जाता है तो 11 आता है, समझिएगा, जब इन सबको काउंट करके एवरेज निकाला जाता है तो 11 आता है, लेकिन इनकी वेबसाइट पर, नीति आयोग की वेबसाइट पर जहाँ SDG दी हुई है वो वहाँ पे मध्य प्रदेश का स्कोर 17वें नंबर पर दिया हुआ है। तो अब रही बात, बात फिर से फंसी हुई है कि 17 लगाएं कि 11 लगाएं, 17 लगाएं कि 11 लगाएं, है ना। तो मेरे दृष्टिकोण से जहाँ पे कन्फ्यूजन है वहाँ आपको ये जो कैलकुलेशन में आता है वो निकालना चाहिए, लगाना चाहिए, तो आप 11वां लगाइए, ज़्यादा सही रहेगा। पहले नंबर पर केरल है और 11वें नंबर पर जो है वो मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है केरल पहले नंबर पर, सकल SDG सबको मिला दे, सबको मिला के जब एवरेज निकालेंगे तो मध्य प्रदेश का जो स्थान आता है वो 11th नंबर पर है, ठीक है। यदि विकल्प में 11 किसी कारणवश नहीं है तो 17 देख लीजिएगा, 17 लगा दीजिएगा, केरल पहले नंबर पर है सकल SDG, तो ये टोटल SDG है। SDG से एक तो ये प्रश्न आएगा, दूसरा आपसे जो प्रश्न आता है वो ये है कि इन SDG का सबका नाम याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे वही बात हमने लिखी है कि SDG 2020 में मध्य प्रदेश परफॉर्मर स्टेट पर है, परफॉर्मर अवस्था में है। मध्य प्रदेश की टोटल जो स्कोर है SDG 2020 में परफॉर्मर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात करना है हमें क्या, SDG स्कोर जो है वो टोटल स्कोर कितना है MP का, 2023 में जो टोटल स्कोर है वो 62 है, ठीक है, 62 है। अचीवर अभी भी है मध्य प्रदेश 23 में भी, SDG चूंकि 62 स्कोर इसी अचीवर में नहीं, सॉरी 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 परफॉर्मर अभी भी है, अभी मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। SDG फर्स्ट रैंकिंग जो है वो केरल की है, सेकंड तमिलनाडु की है और थर्ड जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा, ये तीन एक साथ तीसरे नंबर पर है और 11 नंबर पर है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार से ये SDG का मामला हुआ। SDG में एक प्रश्न और पूछता है, फिर उसके बाद मैं आपको इधर कुछ कंक्लूजन है इसी पूरी PDF पर वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस सेक्शन में कि SDG से रिलेटेड जो
इसको अचीविंग होती है उसके कुछ नाम होते हैं, उस नाम को कैसे क्लियर करना है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कुछ पैमाने बने हुए हैं। जैसे एक पैमाना है, सबसे ऊपर का पैमाना अचीवर का। अचीवर का मतलब होता है, अचीवर का मतलब है कि लक्ष्य पूरा प्राप्त हो गया। लक्ष्य पूरा प्राप्त होने का मतलब होता है स्कोर 100। तो यदि किसी स्टेट का 100 स्कोर है तो उसको अचीवर श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर। अचीवर होने के लिए 100 पूरा पूरा होना जरूरी है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, 100 मतलब यदि वो 99 भी है तो भी वो अचीवर नहीं है। जिसने 100% गोल्स को प्राप्त कर लिया है वो अचीवर है। 100% से कम अर्थात 99 से लेकर के इधर आपको 65 स्कोर तक, यदि किसी राज्य का स्कोर 65 से 99 तक है तो वह राज्य अग्रणी राज्यों में आता है। हाँ, इसमें अग्रणी, अग्रणी मतलब आगे है वो। ठीक है, और इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है वो फ्रंट रनर शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फ्रंट रनर शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। अग्रणी भी इस्तेमाल कर सकते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में फ्रंट रनर लिखा रहेगा। तो अचीवर वो हो गए जो 100 के पार हो गए, मतलब 100 पार पा गए। ठीक है, फ्रंट रनर वो है जो 100 के करीब है लेकिन कहाँ से, 65 से। तो 65 से 99 तक जो राज्य आते हैं उनको फ्रंट रनर कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का हमने आपको बताया 62 है, तो यहाँ पे देखते हैं 65 तक हो गया। फिर देखिए यदि कोई 64 से लेकर के 50 तक है ना, 100 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, 64 से 50 तक है, या तो 50 से 64 के बीच जिसकी रैंकिंग है उसको कहते हैं प्रदर्शक। क्या कहेंगे, इस श्रेणी में उसको प्रदर्शक माना जाएगा। प्रदर्शक के लिए जो इंग्लिश टर्म है वो है परफॉर्मर। क्या, परफॉर्मर। तो मध्य प्रदेश इसी श्रेणी में यहाँ पर 62 आता है। ठीक है, तो 62 परफॉर्मर या प्रदर्शक है। कहाँ से, 64 से नीचे। 64 से नीचे ने मतलब 64 को भी शामिल करना है, 64 से नीचे 50 तक, 50 से 64 तक। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसके बाद 49 आएगा, 49 से लेकर के 0 तक जो भी हैं, जो राज्य हैं उनको आकांक्षी राज्य कहा जाएगा। आकांक्षी राज्य, आकांक्षी राज्य का मतलब होता है एस्पायरेंट। ठीक है, तो एस्पायरेंट है वो भी। तो इस प्रकार से इस SDG गोल के लिए, SDG गोल के लिए राज्यों को कुल 4 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, कहाँ, पहली श्रेणी, पहली श्रेणी हम लोग नीचे से इस बार ले लेते हैं, 0 से 49, 0 से 49 स्कोर वाले हैं एस्पायरेंट ए। ठीक है, पहले नंबर पर आएगा तो आप लोग ए रख दीजिए, एस्पायरेंट। ठीक है, दूसरे नंबर पर आएगा 50 से लेकर के 64 तक, 50 से लेकर 64 तक जो है वो क्या कहलाएंगे, परफॉर्मर। क्या कहलाएंगे, परफॉर्मर कहलाएंगे। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर आता है 65 से लेकर के 99 तक, 99 तक वाले जो राज्य है वो फ्रंट रनर है, मतलब वो 100 तक पहुंच चुके हैं लगभग। ठीक है, और 100 जो है, 100 वही क्या है, अचीवर है। तो गोल क्या था, 100% का। इस प्रकार से SDG में ये बांटा गया है। ठीक है, आई थिंक ये समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। आइए कुछ बातें और आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ पूरे इस वीडियो का। उद्योग, ऊर्जा, खनिज, इस प्रकार से हमने बनाया था। तो देखिए क्या है, औद्योगिक निवेश के मामले में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। हीरा, तांबा, मैग्नीज, गेरू, डोलामाइट में पहले नंबर पर है। रॉक फॉस्फेट, संगमरमर, चूना पत्थर, इन सब में द्वितीय नंबर पर है। कोयला उत्पादन में, सकल कोयला उत्पादन में चौथे नंबर पर, भंडारण में पांचवें नंबर पर है। बॉक्साइट के उत्पादन में छठे नंबर पर है। ठीक है, छठे नंबर पर है। और कुल नवीकरणीय ऊर्जा में आठवें नंबर पर है। पवन ऊर्जा में हमने आपको बताया है कि आठवें नंबर पर है, 15,404 मेगावाट के साथ। सौर ऊर्जा 61,660 मेगावाट के साथ चौथे नंबर पर है। बायोमास ऊर्जा 1,364 मेगावाट के साथ दूसरे नंबर पर है। तो आपसे इन चारों में यदि पूछे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कौन सी ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा है। ठीक है, अगला हो गया, ये लगभग हो ही गया है, एक दो पेज इसमें और। सर्वाधिक GDP, सर्वाधिक GDP के मामले में मध्य प्रदेश 10वें स्थान पर, पहले नंबर पर महाराष्ट्र। ठीक है, FDI आकर्षित करने के मामले में मध्य प्रदेश 13वें स्थान पर। प्रति व्यक्ति आय के मामले में मध्य प्रदेश 25वें नंबर पर है, प्रथम नंबर पर सिक्किम है। और 1,40,583 प्रचलित रेट पर और लगभग 65,000 इस पर स्थिर मूल्यों पर। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान जो है वो 4.6% है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 4.8% बजट के अनुसार। अधिसूचित एवं वन आवरण में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। सुशासन सूचकांक के ग्रुप बी राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान पहला है। ठीक है, सड़कों की कुल लंबाई में मध्य प्रदेश का स्थान 6वां है। और रेल नेटवर्क में मध्य प्रदेश का स्थान 5वां है। जल प्रबंधन सूचकांक में गैर हिमालयन राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान 3रा है। जल प्रबंधन सूचकांक में 2023 में गैर हिमालयी राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान 3रा है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। स्वामित्व योजना भू अभिलेख के संचालन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। मिशन अमृत सरोवर के संचालन में मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है हिमाचल प्रदेश के साथ। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का स्थान 5वां है। और जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो 5वें स्थान पर है। लेकिन यहीं पे हमने आपको बताया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही सर्टिफाइड जल मिशन ग्राम जो है उसमें पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है। पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ग्रामीण में प्रथम है, शहरी में द्वितीय है। ठीक है, ऐसे ही पशुपालकों को पशु क्रेडिट कार्ड वितरण में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में 19वें स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में मध्य प्रदेश अचीवर श्रेणी में है। SDG 2022 में मध्य प्रदेश
परफॉर्मर श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से खनिजों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोयला खनिज, कोयला के बारे में बात करें तो कोयले की प्राप्ति गोंडवाना चट्टानों से होती है। इनका विस्तार राज्य के दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी भागों में है। मध्य प्रदेश कोयला के भंडारण में 5वें स्थान पर है 8.78% के साथ, जबकि कोयला उत्पादन में 4थे स्थान पर है 15.84% के साथ। मध्य प्रदेश में कोयले का भंडार 19.232 लाख टन है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कोयले की 70 खदानें हैं जिनमें मुख्य रूप से बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। 2020-21 में 1330.505 लाख टन कोयला उत्पादित हुआ। विश्व में कोयले की दूसरी सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पाई जाती है। तो सबसे मोटी परत जो है वो सिंगरौली जिले में पाई जाती है। इसकी मोटाई 136 मीटर है और सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है सुहागपुर के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अर्थात सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र 3100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सुहागपुर है, लेकिन मोटाई की बात करें कोयले की तो सिंगरौली में 136, जो विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत है कोयले की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र दूसरे नंबर पर है 2337 वर्ग किलोमीटर के साथ। मध्य प्रदेश में दक्षिण कोयला क्षेत्र के अंतर्गत पेंच कान्हन कोयला क्षेत्र आता है जो होशंगाबाद छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसके अलावा दक्षिणी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र आता है, पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र आता है व मोहपानी कोयला क्षेत्र आते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में मध्यम कोकिंग कोयला पाया जाता है। मध्य प्रदेश के 6 जिलों छिंदवाड़ा, बैतूल, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली में कोल इंडिया लिमिटेड खनन खनन करती है। बस यही सारे फैक्ट थे, इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। ऐसे अभ्यर्थी जिनको इंटरव्यू देना है पीएससी का, चाहे वो 9 जून के हों, आगने वाले एग्जाम के हों, वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। इंटरव्यू का एक बहुत कंप्लीट बेहतरीन बैच हमारे साथ जुड़ने वाला है बहुत जल्दी ही, तो इसकी घोषणा अलग से कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी हमारे टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो ही सकते हैं। लास्ट टच वाला पैक तो आज अंतिम हो गया, ये था 499 में सारे पेपर एक साथ उत्तर लगे हुए, पर जिनको 17 नवंबर का एग्जाम देना है वो हमारे साथ टेस्ट सीरीज के लिए शामिल हो सकते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना शानदार वीडियो देखने के बाद चैनल अवश्य सब्सक्राइब करना चाहिए, यह आपकी कृतज्ञता भी बनती है, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है और हमारे प्रोत्साहन के लिए जरूरी भी है। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में यदि कुछ त्रुटियां हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।